Hello and welcome to the third part of the tutorial series, The Age of Industrialization. The theme we will study is Industrialization in the Colonies. And the topics we will cover are The Age of Indian Textiles, Condition of Weavers, Manchester Comes to India. So let's start. When the colonies of industrialization happens, what effect does the industrial industry have on there? And what effect does the industrialization have on the people of that? यहाँ पे कॉलोनी इंडिया है और जो इम्पीरियल पावर है वो है इंग्लैंड जिसने कॉलोनी बनाया इंडिया को और जिस उद्योग की हम बात करेंगे वो है टेक्सटाइल सेक्टर कपड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग। लगभग 1750 तक जो भी व्यापार का जाल फैला हुआ था ट्रेड नेटवर्क था कॉटन और सिल्क का उसमें लगभग इंडियन मर्चेंट्स का ही प्रभुत्व था उन्होंने ही डोमिनेट किया था उस ट्रेड नेटवर्क को। लेकिन यूरोपियन कंपनीज के आने के बाद धीरे धीरे जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद ये सिनेरियो ये दृश्य बदलने लगा और उन्होंने अपना ट्रेड सिस्टम डेवलप किया जिसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ा इंडियन वीवर्स पे भारतीय बुनकर समुदाय पर और यही आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मींस ऐसा वक्त ऐसा समय जब ट्रेड पर भारतीय सौदागर यानी इंडियन मर्चेंट्स का ही कंट्रोल था। उसकी वजह ये थी कि इन द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड जब भारतीय उद्योग धंधों का मशीनीकरण नहीं हुआ था तो कॉटन और सिल्क ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इंडियन मर्चेंट्स ही डील किया करते थे ट्रेड किया करते थे और भारत में जो फाइनर वैरायटीज ऑफ कॉटन था यानी बहुत ही महीन बारीक और उच्च कोटि का कपास यानी कॉटन वो भारत से ही इंपोर्ट किया जाता था दुनिया भर में। और ट्रेड हमारे यहाँ उस समय लैंड रूट से भी होता था यानी कि अर्मेनियन एंड पर्सियन मर्चेंट्स पंजाब से गुड्स को लेकर ईस्टर्न पर्सिया और सेंट्रल एशिया तक जाते थे व्यापार करने के लिए और माउंटेन पासेस में जो पहाड़ी दर्रे होते हैं पहाड़ों के बीच में जो दरारें होती है जहाँ से आर पार जाया जा सकता है उन्हें माउंटेन पासेस कहा जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स यानी भारत के उत्तर पश्चिम में ऊंट पर लाद कर गट्ठल ले जाए जाते थे बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स। सी रूट के जरिए भी व्यापार होता था उस समय जो प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे मीन्स जब इंडिया कॉलोनी नहीं बनाया गया था उस दौरान सूरत और मछलीपट्टनम जैसे पोर्ट और बंगाल में हुगली तो सूरत से गल्फ कंट्रीज में और रेड सी पोर्ट के माध्यम से व्यापार होता था और मछलीपट्टनम और हुगली पोर्ट से साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के जरिए व्यापार होता था। सो दिस वाज द सिस्टम कंट्रोल्ड बाय द इंडियन मर्चेंट्स और इसमें जो हेल्प करने वाले लोग थे उनमें रोल ऑफ बैंकर्स एंड इंडियन सप्लाई मर्चेंट्स का था स्टेट वर्क में रोल काफ़ी। बैंकर्स वो जो स्थानीय स्तर पर कर्ज उपलब्ध कराते थे क्रेडिट उपलब्ध कराते थे और सप्लाई मर्चेंट्स वो थे जो गाँव से सप्लाई प्रोक्योर करके कलेक्ट करके जहां उनकी डिमांड होती थी वहां पर पहुंचाते थे। सो इस ट्रेड नेटवर्क में बहुत से बैंकर्स इन्वॉल्व थे जो इस नेटवर्क को फाइनेंस किया करते थे एक्सपोर्ट ट्रेड के नेटवर्क को और सप्लाई मर्चेंट्स का रोल था कि वो पोर्ट टाउन को इनलैंड रीजन से लिंक करते थे मीन्स कि जैसे ये पोर्ट एरिया है जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं ये गाँव देहात का एरिया है इनलैंड रीजन है यहाँ से कलेक्ट करके पोर्ट तक लेके आना गुड्स को ये सप्लाई मर्चेंट्स का काम था। जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो वीवर्स को एडवांस पैसा देते थे यानी कि ऑर्डर देते थे उसके बाद ऑर्डर पूरा होने के बाद जो कपड़ा बुन लिया जाता था वुवन क्लोथ उसे वो वहां से कलेक्ट करके पोर्ट्स तक पहुंचाते थे जो सिस्टम मैंने यहाँ पे बताया। और पोर्ट पर बिग शिपर्स अपने बड़े बड़े जहाजों के साथ उपस्थित होते थे और उनके साथ एक्सपोर्ट मर्चेंट्स होते थे और उनके अपने दलाल होते थे मीन्स कि इनलैंड रीजन से सामान को प्रोक्योर करने के बाद जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे वो पोर्ट एरिया में सामान को लेके आते थे यहाँ पर बड़े बड़े जहाज होते थे और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स होते थे वो इनसे बात करते थे सप्लाई मर्चेंट से नेगोशिएट करते थे और इनका सामान जो भी यहाँ से लेके आए हैं कलेक्ट करके उसे खरीद लेते थे और यही सामान जहाज़ों पर लदकर एक्सपोर्ट हो जाता था। और इस पूरे ट्रेड नेटवर्क को मीन्स कि अगर एडवांस पैसा देना है वीवर्स को इनलैंड रीजन में और सप्लाई मर्चेंट्स को भी अगर पैसे की सहायता है तो ये यहाँ के लोकल बैंकर्स इसमें हेल्प करते थे। तो नेगोशिएट होने के बाद सप्लाई मर्चेंट से वो सामान उनसे खरीद लेते थे। लेकिन 1750s तक आते आते ये ट्रेड नेटवर्क इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा डोमिनेट किया गया नेटवर्क ये टूटने लगा स्टार्टेड सेकिंग और डिक्लाइन होने लगा इसका पतन शुरू हो गया डिक्लाइन ऑफ प्री कॉलोनियल पोर्ट्स एंड इंडियन ट्रेड नेटवर्क। बाई 1750 द ट्रेड नेटवर्क डोमिनेटेड बाई इंडियन मर्चेंट्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। तो इसमें यूरोपियन कंपनीज ही विलेन थी जो आकर यहाँ पर इन्होंने
इस इंडियन मर्चेंट्स ट्रेड नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिशें शुरू की और ध्वस्त कर भी दिया। उसका कारण यह था कि यूरोपियन कंपनी धीरे धीरे पावर गेन कर रही थी और लोकल रूलर्स और कोर्ट्स से वो काफ़ी छूट ले ले रही थी, कंसेशंस सिक्योर कर ले रही थी कंपनियां, और मोनोपोली राइट्स भी उनको दे दिए जाते थे ट्रेड के। मीन्स कि कुछ चीज़ों में व्यापार करने का हक सिर्फ इन्हीं यूरोपियन कंपनीज को था। इंडिया में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन 1608 में इस कंपनी ने सूरत में इंडिया में कदम रखा और वहां पर फैक्ट्री स्थापित की बाद के वर्षों में। तो इस तरह से लोकल रूलर्स से कंसेशंस लेके, मोनोपोली राइट्स लेके ये लोग अपनी चालों में कामयाब हो रहे थे और यूरोपियंस ट्रेडर्स प्री कॉलोनियल पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, कम से कम करना चाहते थे, बिकॉज दे वॉन्टेड टू डेवलप देयर ओन ट्रेड नेटवर्क। इसकी वजह से जो ओल्ड पोर्ट्स थे जैसे सूरत और हुगली पोर्ट्स अब कम इस्तेमाल किए जाने लगे और इसकी जगह यूरोपियन कंपनीज ने बॉम्बे और कलकत्ता जैसे पोर्ट्स को डेवलप किया और आज इंडिया के मेन प्रोमिनेंट पोर्ट्स में से ये दोनों पोर्ट्स आते हैं। न्यू यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल द ट्रेड एंड रिप्लेस द इंडियन मर्चेंट्स एंड द ट्रेड नेटवर्क। तो अब ये स्थिति हो गई कि यूरोपियन कंपनीज और उनके मर्चेंट्स ने इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा डोमिनेट किया जाने वाला ट्रेड नेटवर्क जो था उसको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ये हावी हो गए। अब कार्गो भी जो था, जो सामान जहाज पर लदता था, वो भी यूरोपियन शिप्स में लदने लगा जिसके ओनर यूरोपियन मर्चेंट्स होते थे, और इंडियन ट्रेड हाउसेस जो पहले डोमिनेट किया करते थे वे धराशायी होने लगे, और जो इस ट्रेड नेटवर्क में जिंदा रहना चाहते थे, व्यापार करते रहना चाहते थे, उन्हें इसी यूरोपियन ट्रेड नेटवर्क को फॉलो करना पड़ता था। एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, प्री कॉलोनियल ट्रेड नेटवर्क में जिसमें इंडियन मर्चेंट्स डोमिनेट करते थे उसमें लोकल बैंकर्स का काफ़ी रोल था, लेकिन अब नए नेटवर्क में, यूरोपियन ट्रेड नेटवर्क में, दे वेंट बैंकक्रप्ट एंड डिसअपीयर्ड। और जो वैल्यू ऑफ ट्रेड था वो 17th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स में लगभग 16 मिलियन था और 1740 तक आते आते ये सिर्फ 3 मिलियन रह गया। ये उस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं जिसमें इंडियन मर्चेंट्स डोमिनेट करते थे एक्सपोर्ट ट्रेड में। लेकिन ऐसी स्थिति में इंडियन वीवर्स का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो शुरू में तो देयर वाज नो इनिशियल डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया 1760 से 1770 तक, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस बीच आपको याद दिला दें कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इन्हीं दो वॉर्स ने इंग्लिश पावर को स्थापित किया था इंडिया में। इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था और रेवेन्यू कलेक्ट करने के दीवानी राइट्स भी हासिल कर लिए थे। तो यहाँ से एक बिग चेंज शुरू हुआ इंडिया में। तो इस इनिशियल डिक्लाइन ना होने की वजह क्या थी कि शुरू में जब ब्रिटिश व्यापारी यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट एक्सपेंडेड इट वेल इन इंडिया। तो उन्होंने इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स, जो डिमांड थी जिसकी यूरोप में काफ़ी ज़्यादा, उस फाइन टेक्सटाइल्स की पूर्ति के लिए, सप्लाई के लिए उन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट करना ही जारी रखा शुरुआत में। मीन्स यूरोपियन ट्रेडर्स मर्चेंट्स इंडियन वीवर्स के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसे ही यूज़ कर रहे थे एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इस प्रोडक्शन की सप्लाई लेने के लिए उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। डिफिकल्टीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन प्रोक्योरिंग मीन्स कलेक्टिंग सप्लाई फ्रॉम इंडिया। तो परेशानियां क्या थी, द कंपनी ऑफिशियल्स कंटिन्यूसली कंप्लेन टू लंदन। तो अपने लंदन ऑफिसर्स में पत्र लिखकर सप्लाई प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन गेटिंग सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट उसकी शिकायत करते थे, और ये भी शिकायत करते थे कि यहाँ पर हाई प्राइसेस में हमें प्रोडक्शन की सप्लाई मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम, और भी यूरोपियन कंपनीज थी जैसे फ्रेंच, डच, पुर्तगीज, तो उनसे भी कंपटीशन करना पड़ता था, इन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा लोकल ट्रेडर से भी कम्पीट करना पड़ता था, यानी भारतीय मर्चेंट से, और ये सारा कंपटीशन सप्लाई प्राप्त करने के लिए था, और ये सप्लाई इंडियन वीवर्स उन्हें प्रोवाइड करते थे। तो ऐसी स्थिति तो वीवर्स के लिए काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मैनी मेड मीन्स की मैनी बायर्स, खरीदार जब उनके पास पहुंचते थे वीवर्स के पास, सो दे कुड बार्गेन, वो मोलभाव कर सकते थे, और जो बेस्ट बायर था उसे सप्लाई या अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकते थे। तो इससे इंडियन वीवर्स को काफ़ी फायदा था, और डिमांड फाइन टेक्सटाइल की काफ़ी ज़्यादा थी ही, तो शुरू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा भारत से एक्सपोर्ट हो रहे फाइन कॉटन टेक्सटाइल के ट्रेड में। लेकिन जैसा हमने बताया कि इन दो युद्धों के बाद उनके पैर जम गए थे, तो इन डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए और अपनी मोनोपोली दिखाने के लिए कि हम रहे इस एक्सपोर्ट ट्रेड में, तो चुपचाप तो बैठने वाले थे नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी। कंपनीज एफर्ट्स टू कंट्रोल मार्केट टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क। तो उन्होंने क्या प्रयास किए, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर टू हैव मोनोपोली ओवर ट्रेड।
उन्होंने पॉलिटिकल पावर स्टेब्लिश कर ली थी 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, एंड दे डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट टू एलिमिनेट, एलिमिनेट मीन्स रस्ते से हटाना, खत्म करना, कंपटीशन एंड कंट्रोल प्राइसेस। तो प्राइसेस को खुद कंट्रोल करना, कंपटीशन को खत्म करना, इसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू की और ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स इन टेक्सटाइल ट्रेड, भारतीय व्यापारियों को भी हटाना है रस्ते से। और जो दलालों की व्यवस्था थी, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि दलालों के माध्यम से मोल भाव होता था सप्लाई मर्चेंट से, ये ब्रोकर्स होते थे एक्सपोर्ट मर्चेंट्स के, तो इन ब्रोकर्स को भी रस्ते से हटाने की सोच रहे थे कंपनी के लोग, और डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते थे वीवर्स को, बीच में कोई भी ब्रोकर सिस्टम नहीं होना चाहिए। सो दे वॉन्टेड टू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। इसके लिए गोमास्थास की नियुक्तियाँ की गई। ये गोमास्था कौन होते थे, इन्हें हम अभी स्टडी करेंगे। सिस्टम ऑफ एडवांसेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी पहले से पेशगी देना, पहले से ही पैसा उपलब्ध करा देना बुनकर को, मीन्स कि लोन यानी उधार पैसा शुरू में ही दे दिया जाता था इन एडवांस टू द वीवर्स, ऑर्डर देते समय ही। दोज हु एक्सेप्टेड द एडवांसेस, और जो वीवर्स एडवांस को एक्सेप्ट कर लेते थे, उन्हें अपना प्रोडक्शन गोमास्थास को ही देना पड़ता था, बेचना पड़ता था। ए गोमास्थास को स्टडी कर लेते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन्टेड टू हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंपनी वीवर्स। कंपनी वीवर्स मीन्स वो बुनकर जो कंपनी के लिए काम करते थे। फॉर दिस दे नीडेड टू एलिमिनेट ब्रोकर्स, और ब्रोकर्स को ख़त्म करने के लिए और सप्लाई मर्चेंट्स को रस्तों से हटाने के लिए उन्होंने पेड सर्वेंट्स अपॉइंट किए, जिन्हें गोमास्था कहा जाता था। और इस तरह से गोमास्थास वर अपॉइंटेड टू रिप्लेस द ओल्डर सिस्टम। गोमास्था के कार्य क्या होते थे, फंक्शंस ऑफ गोमास्था, ही एडवांस्ड लोन्स टू वीवर्स, वो एडवांसेस देता था वीवर्स को। एडवांस का मतलब ये है कि जब वीवर्स को ऑर्डर दिया जाता था कि इतना माल आपको तैयार करना है, तो उसके लिए रॉ कॉटन खरीदना पड़ेगा और भी जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी उसको खरीदने के लिए वो एडवांस ले लेते थे। और गोमास्था सुपरवाइज भी करता था वीवर्स और उनके वर्क को, एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ, कलेक्टेड सप्लाईज फ्रॉम वीवर्स। और यही गोमास्था ऑर्डर देने के साथ साथ सप्लाई भी कलेक्ट किया करते थे ऑर्डर पूरा होने के बाद। क्लैशेस बिटवीन गोमास्थास एंड वीवर्स, ये तो तय है कि एडवांसेस देने के बाद वीवर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो शुरू हो ही गया था। कैसे, जो गोमास्थास थे वो आउटसाइडर्स थे, कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। दे हैड नो सोशल लिंक्स विद वीवर्स, वीवर्स से उनका कोई सोशल लिंक नहीं था, जैसा कि सप्लाई मर्चेंट्स का लिंक होता था वीवर्स से, क्योंकि सप्लाई मर्चेंट्स उनके गांव में ही रहा करते थे, उनके बीच में ही रहा करते थे, और संकट के समय, मुसीबत के समय सप्लाई मर्चेंट्स इन्हें हेल्प भी किया करते थे ड्यूरिंग द क्राइसिस, जबकि गोमास्थास आउटसाइडर थे, तो इनके आपस में कोई भी सोशल लिंक्स डेवलप नहीं हो पा रहे थे। दे एक्टेड एरोगेंटली, इसके अलावा कंपनी के आदमी होने के नाते वो घमंड में चूर आते थे, मार्च इन द विलेजेस में पहुँचते थे सिपाहियों के साथ, पियोन्स के साथ, जैसे कोई बहुत बड़े अधिकारी हो, तो धौंस जमाने की भी कोशिश करते थे, और जो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते थे वीवर्स समय पे, उनको पनिश किया जाता था अगर सप्लाई में डिले हो जाती थी। वीवर्स वर पनिश्ड बाय बीटिंग एंड फ्लॉगिंग, तो उनकी पिटाई होना, कोड़े लगवाना, वीवर्स को इस तरह से पनिशमेंट दिया जाता था। दे वर मिजरेबली पेड, क्योंकि एडवांस लेने के बाद बार्गेनिंग पावर तो खत्म हो जाती थी वीवर्स की, तो उनके ऑर्डर का जो भी मूल्य उन्हें पैसा दिया जाता था काफ़ी कम होता था, क्योंकि बार्गेनिंग नहीं हो सकती थी, पॉसिबल नहीं थी। ऐसी व्यवस्था स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसका बहुत बुरा असर पड़ा इंडियन वीवर्स पर। द इम्पैक्ट ऑन वीवर्स ऑफ द अबव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाई द कंपनी, द लोन टाइड द वीवर्स टू द कंपनी, लोन की वजह से वो कंपनी से बंध गए और कंपनी के अलावा और किसी के लिए काम कर नहीं सकते थे। द वीवर्स डिवोटेड इंटायर टाइम टू वीविंग टू अर्न मनी, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर पाने के चक्कर में, अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में, वो पूरा समय कपड़ों की बुनाई में ही लगे रहते थे। हालात यहाँ तक हो गए कि जो भी उनके टाइनी प्लॉट्स थे जहाँ पर वो खेती कर सकते थे, उन्हें भी वो किराए पर उठा देते थे, लीज पर दे देते थे और लोगों को जो बुनकर कम्युनिटी के नहीं थे, कि वो खेती करें उस पर और कुछ हिस्सा इनको दें। और लगभग फैमिली का हर मेंबर किसी न किसी स्टेज पर वीविंग में लगा हुआ था, बुनाई में लगा हुआ था। दे लॉस्ट देयर बार्गेनिंग पावर टू सेल टू डिफरेंट बायर्स, अब वो डिफरेंट बायर्स को प्रोड्यूस नहीं बेच सकते थे। दे वर मिजरेबली पेड फॉर द प्रोड्यूस, उन्हें अपने प्रोड्यूस प्रोडक्शन का, उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता था। और हालात अंत में यहाँ तक पहुँच गए कि गोमास्थास उनके लिए विलेन के तौर पर नज़र आने लगे, उनके साथ उनके क्लैशेज स्टार्ट हो गए, टकराव झगड़ा शुरू हो गया, मैनी डिजर्टेड विलेजेस, अब जो कि गांव वाले जो बुनकर कम्युनिटी के थे वो मुकाबला कर नहीं सकते थे कंपनी के अधिकारियों का, तो गांव छोड़कर चले गए या दूसरे गांव में जाकर उन्होंने अपने उद्योग धंधे शुरू कर दिए,
या उन्होंने एडवांसेस को लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि एडवांसेस ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, या उन्होंने अपने इस उद्योग धंधे को बंद ही कर दिया बुनाई के काम को, या और गांवों में जाकर लूम्स इस्टेब्लिश करके उन गांव में जहां पे उनके कोई रिलेशंस फैमिली के बनते होंगे वहां उन्होंने फिर से बुनाई का काम शुरू किया। और कंपनी अधिकारियों के खिलाफ रिवोल्ट की भी कोशिशें हुई लेकिन ये सफल नहीं हुई। आगे चलकर हालात और ख़राब हो गए जब इंग्लैंड से माल इंडिया में आना शुरू हुआ, मीन्स मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। ये हमारा थर्ड टॉपिक है, इम्पोर्ट ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड इंक्रीज्ड। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है और कपड़े उद्योग के लिए जाना जाता है। एक अंग्रेज हेनरी पिटुलो ने 1772 में कहा था कि इंडियन टेक्सटाइल इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी, कम नहीं होगी, बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी। लेकिन ये सही नहीं हुआ क्योंकि आगे चलकर इसकी डिमांड कम हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और कोष्ठीस एक बुनकर समुदाय था और हालात की मार इनके ऊपर भी पड़ी थी। इन्होंने भी अपना वर्क छोड़कर, बुनाई का काम छोड़कर बरार चले गए। बरार उस वक्त ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस था, प्रांत था, और वहाँ पर वो दिहाड़ी पर मजदूरी करने लगे, बिकेम डे लेबरर्स। तो हालात ख़राब होने की वजह क्या थी? कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। कॉटन इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में अब कॉटन इंडस्ट्रीज लग गई थी, कपड़े का उत्पादन शुरू हो गया था। टैरिफ्स वर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स टू इलिमिनेट कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो इंग्लैंड में जो कपड़ा उद्योग था उसको बचाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कि ब्रिटेन में बाहर से टेक्सटाइल्स ना आने पाएँ और ब्रिटेन के बने कपड़े ब्रिटेन में बिकें, इसके लिए सीमा शुल्क लगा दिए गए कि ब्रिटेन में प्रवेश करने वाला जो भी आयात होगा वस्त्र का वो महंगा हो जाएगा। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर्सुएडेड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अपने को सिक्योर करने के बाद, मींस जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेशराइज करना शुरू किया और उन्हें इस चीज़ के लिए मनाया कि वो इंग्लैंड में बने कपड़े को इंडिया में बेचें। मींस ब्रिटेन से मशीनों के द्वारा बना हुआ कपड़ा इंडिया में भेजा जाने लगा और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी उसे इंडिया में सेल करने लगी, और नतीजा था ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्लडेड द इंडियन मार्केट। अब बताइए बुनकरों का क्या होगा, क्योंकि अब तो बाहर से बाजारों में आकर कपड़ा मार्केट में छा गया, इंग्लैंड में मशीनों द्वारा बना हुआ कपड़ा। इंडियन वीवर्स कुड नॉट फेस द कंपटीशन। अब इंडियन वीवर्स इस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि मशीनों के द्वारा बनाया हुआ कपड़ा चीपर होता था, सस्ता होता था, और लोग महंगा कपड़ा क्यों खरीदेंगे? एक उदाहरण ले सकते हैं, एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक देयर वर ऑलमोस्ट नो इम्पोर्ट्स। लगभग कोई इम्पोर्ट नहीं था इंडिया में, बाहर से टेक्सटाइल इम्पोर्ट नहीं होता था। लेकिन 1850 तक आते आते 31% इम्पोर्ट शुरू हो गया, और ये हालात और बिगड़ गए 1870 तक, जब ये 31% बढ़कर 50% हो गया। तो इसकी बहुत बुरी मार पड़ी इंडियन वीवर्स पे। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन वीवर्स, इसमें पहला पॉइंट, एक्सपोर्ट मार्केट कलेप्स्ड एंड लोकल मार्केट श्रैंक। तो भारत से जो एक्सपोर्ट होता था, बाहर कपड़ा जाता था, काफ़ी कम हो गया, और जो स्थानीय मार्केट थी वो भी सिकुड़ गई, श्रिंक हो गई। मीन्स कि जो स्थानीय स्तर पे जो बुनकर कपड़ा बनाते थे और बेचते थे, तो उनकी जो अपनी मार्केट थी, उनके कपड़े को खरीदने वाले जो लोग थे, उनका हिस्सा भी काफ़ी कम हो गया। तो वीवर्स वर फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम मैनचेस्टर इम्पोर्टेड चीपर मशीन मेड क्लोथ, इसे हम स्टडी कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट, द प्राइसेज ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि ये ऐसा क्या हुआ कि कपास के दाम बढ़ गए? उसकी वजह ये थी कि अमेरिकन सिविल वॉर जो 1860s में शुरू हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 1865 तक चला, लगभग 4 साल, जिसमें स्लेवरी को ख़त्म करने और बनाए रखने के विषय पर अब्राहम लिंकन के समय में यह गृहयुद्ध हुआ था। तो जो सप्लाई रॉ कॉटन की अमेरिका से ब्रिटेन को जाती थी वो बंद हो गई, तो ब्रिटेन को अब एक सप्लाई इंडिया से लेनी पड़ रही थी। तो जब ब्रिटिश मर्चेंट्स टर्न्ड अप टू इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स इंडस्ट्रीज, और पहले क्या था कि ब्रिटेन से सिर्फ एक्सपोर्ट होकर इंडिया में कपड़ा आता था, लेकिन अब कॉटन जाएगा ब्रिटेन और ब्रिटेन से फिर आएगा बना हुआ टेक्सटाइल इंडिया में। तो जब कॉटन की डिमांड बढ़ गई रॉ कॉटन की, द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन टू ब्रिटेन शॉट अप द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन, और रॉ कॉटन ब्रिटेन जाना शुरू हो गया, तो इससे कॉटन के दाम बढ़ गए, क्योंकि कॉटन उपलब्ध कराने वाले, कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को अच्छा पैसा मिलने लगा ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा, और जो गरीब इंडियन वीवर्स थे दे कुड नॉट अफोर्ड इट, वो इतना महंगा कॉटन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नहीं खरीद सकते थे। अब बताइए वो अपने वीविंग को कैसे कंटिन्यू कर सकते थे? सो वीविंग कुड नॉट पे, कपड़ा बुनकर, बुनाई के माध्यम से
वो अपनी फैमिली, अपनी जीविका, अपने खर्चे को नहीं चला सकते थे। तीसरा, फैक्ट्रीज इन इंडिया स्टार्टेड प्रोडक्शन। हमने शुरुआत में बताया था कि ब्रिटिश व्यापारियों ने एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था शुरू में, कि जो भी प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए। अब खुद ही फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी इन लोगों ने, एंड मार्केट वॉज फ्लडेड विद मशीन मेड गुड्स। तो ब्रिटेन से जो माल आता था उसकी बजाय अब इंडिया में ही जब प्रोडक्शन शुरू हो गया तो वो और सस्ता बिकने लगा, एंड इंडियन मार्केट वॉज फ्लडेड विद मशीन मेड गुड्स। भारत में लगी मशीनों के द्वारा उत्पादित कपड़ों से भारतीय मार्केट छा गया और सर्वाइवल ऑफ इंडियन वीविंग इंडस्ट्री बिकेम डिफिकल्ट। और इतनी सारी मुसीबतों के बीच में जो इंडियन वीविंग इंडस्ट्री थी, भारतीय बुनकर कपड़ा उद्योग, उसका जिंदा रहना, बने रहना बहुत मुश्किल हो गया। सो दिस ट्यूटोरियल एंड शेयर, आई होप कि वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।